बुखुराग बुखुराग अरे बुखुराग बुखुराग तो यार इस पोयम के साथ एक छोटी सी चिट को उठानी पड़ती है। चिट में एक सीक्रेट मैसेज होता है। माय फैमिली फैमिली ओके बोलेंगे डॉटर है उनका हस्बैंड हम लोग इंडियन ढूंढना चाहते हैं। हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ ईरान के फास प्रोविंस के कैपिटल शिराज में, जो कि ईरान के साउथ वेस्ट में आता है और ईरान की फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी है। अभी मैं अपने होस्ट के घर पे हूँ, सारा एंड आमिर के घर। एक्चुअली मैं शिराज 2 या 3 दिन के लिए आया था, लेकिन मेरे को शिराज आए टोटल 1 वीक हो चुके हैं। मैं यहाँ पे 1 हफ्ते से हूँ और मैं शिराज पहुँचने के बाद एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं आज के वीडियो में आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करने वाला हूँ और मैं शिराज में कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझिएगा। जब मैं शिराज आया तो दूसरे या तीसरे दिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क गैप हो गया मेरे सिम का। तो मुझे लगा शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया, मे बी शायद कुछ रिचार्ज वगैरह खत्म हो गया होगा। फिर जब अगले दिन भी नेटवर्क वापस नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो मैंने अपने होस्ट को बताया। होस्ट कहते हैं कोई बात नहीं, चलते हैं, जो मेरा सिम कार्ड का कंपनी है हमरावाल उनके ऑफिस चलते हैं, दिखाते हैं। तो फिर मैं हमरावाल के ऑफिस गया, अपना सिम कार्ड दिखाया कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो उन लोग को ठीक से बता नहीं पा रहे थे इसका रीज़न क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं रिचार्ज खत्म हो गया, आप लोग रिचार्ज कराइए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिम कार्ड इशू है, सिम कार्ड आपका चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने रिचार्ज भी कराया, तब भी मेरा चालू नहीं हुआ। उसके बाद मतलब कि मैं कई जगह जा रहा हूँ शिराज में, अलग अलग ऑफिस जा रहा हूँ, अलग अलग शॉप जा रहा हूँ, कोई नहीं बता पा रहा है कि फ़ोन में नेटवर्क गैप क्यों हो गया है और रिचार्ज करने में भी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो 1-2 दिन तो ऐसे निकल गए मेरे, इतना कुछ पता करने के बाद भी कोई सलूशन नहीं निकला। तो फिर मैंने क्या किया, हम लोगों ने दूसरा सिम कार्ड लिया, मैंने फिर ईरान सेल का सिम कार्ड लिया। फिर जब ईरान सेल का सिम कार्ड लेने गया तो उन्होंने मेरे को बताया आप अपने पासपोर्ट से अगर लोगे तो इसको एक्टिवेट होने में 2 से 3 दिन लगेगा, सेम जो कि तेहरान में हुआ था जब मैं ईरान पहुंचा था, जब मेरा 2-3 दिन ख़राब हो गए थे, सेम चीज़ यहाँ पर उन्होंने बोला। और उसके अलावा प्राइस भी 3-4 times ज़्यादा पड़ेगा। तो मेरे होस्ट ने बोला मैं अपनी आईडी दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ऑन द स्पॉट एक्टिवेट हो जाएगा, सस्ता ही पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी आईडी से मेरे लिए ईरान सेल का सिम कार्ड ले लिया। फिर जब मैंने ईरान सेल का भी सिम कार्ड अपने फ़ोन में लगाया तो वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोग एकदम हैरान हो गए कि इसका रीज़न क्या है, कोई बता नहीं पा रहा है क्या है। तो फिर बहुत ज़्यादा एक बार जब हम लोग सिम कार्ड के हेड ऑफिस में गए तो वहाँ पर पता चला एक ईरान में नया रूल है, पिछले 2 या 3 साल से आया, उससे पहले नहीं था। कोई भी फॉरनर ईरान के बाहर का फ़ोन लेके अगर ईरान आता है तो 1 महीने के बाद वो फ़ोन ईरान में काम नहीं करता है। और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है, शायद कुछ टूरिस्ट को पता होगा जो कि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं और जो कि बहुत ही मेन ऑफिस वाले हैं उनको ये चीज़ पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता है। उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, ग्रेस पीरियड देते हैं। फॉरेन का फ़ोन आपको ईरान में यूज़ करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाके अपना फ़ोन को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है मिनिमम $100 से $200 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द फ़ोन किस कंट्री से फ़ोन परचेज किया गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो काफ़ी महंगा है, 8 से 15 हज़ार के बीच में इसका खर्चा आएगा सिर्फ फ़ोन रजिस्टर कराने का। तो ये बात मेरे को 2 दिन के बाद पता चली, ऑलरेडी मेरे को 4-5 दिन शिराज में हो चुके थे। तो कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था और मेरे को भी इनके यहाँ रहते हुए 4-5 दिन हो चुके थे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इतने दिन कैसे रुकूँ। तो इनसे मैंने बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मैनेज करूंगा अपना। तो फिर मेरे होस्ट ने बोला कि हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक आपका कोई सलूशन नहीं निकलता है, जब तक आपका इंटरनेट और सिम कार्ड वगैरह काम नहीं करता है, हम लोग आपको जाने नहीं देंगे चाहे जितना दिन भी हो जाए। उसके बाद काफ़ी कुछ पता करने के बाद मैंने फिर ये ख़रीदा, ये वाईफाई मॉडम है, मेरे को ख़रीदना पड़ा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। ये मॉडम मेरे को पड़ा है अराउंड $40 का, ₹3,000 के आसपास मेरे को मॉडम पड़ा ये। तो इसके थ्रू मैं अपना ईरान सेल का सिम कार्ड इसमें यूज़ करके हॉटस्पॉट ऑन करके अपने फ़ोन और लैपटॉप पर इंटरनेट यूज़ कर पा रहा हूँ। फाइनली ये प्रॉब्लम मेरी कल सॉल्व हुई है। कल तक तो मेरा यहाँ पूरा दिमाग ही ख़राब था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसलिए मैंने फिर कुछ व्लॉगिंग भी नहीं करी, थोड़ी बहुत मैंने करी, बहुत ज़्यादा नहीं करी, जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि मैं शिराज में क्या किया और कहाँ कहाँ गया। और आज मैं अगली सिटी और अगली प्रोविंस जाने वाला हूँ ईरान में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब तक मेरा ईरान में एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा जो सबसे पहला इंप्रेशन था ईरान आने के बाद वो ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था ईरान आने के बाद। मतलब कि मन में जो इंप्रेशन था ईरान का पहले कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव कंट्री होगी और रिलीजियस कंट्री होगी, बट ईरान में आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ जब यहाँ के बारे में जाना, यहाँ के लोगों के बारे में मैं जाना, हर टाइप के लोगों से मिल चुका हूँ,
स्मॉल सिटीज़ में भी, बड़े सिटीज़ में भी हर एज के लोगों से मिल चुका हूँ, काफ़ी यंग लोगों से भी, काफ़ी एल्डर लोगों से भी मैं मिल चुका हूँ, काफ़ी अलग अलग टाइप के भी लोगों से मिल चुका हूँ, जो कि बहुत कंजर्वेटिव है, जो कि बहुत ओपन माइंडेड है, जो कि बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पता चला है। आई डोंट नो मेरे को ये बात कैमरे में कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अब तक ईरान में जितने लोग भी मेरे को मिले, ज़्यादातर जो यंगस्टर्स थे, मैक्सिमम मोर देन 90% उन्होंने मेरे से बोला, वी डोंट फॉलो एनी रिलीजन, वी आर नॉट रिलीजियस एट ऑल। हम लोग कोई भी रिलीजन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हैं। और जो थोड़े बहुत जो ओल्ड एज लोग थे, ज़्यादा एज के लोग थे, काफ़ी एल्डर लोग थे, उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग रिलीजन फॉलो करते हैं यहाँ पे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा शौक था। बहुत लोगों ने तो मेरे से भी बोला कि हमको तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम हम लोग मॉस्क यानी मस्जिद कब गए थे। कुछ लोगों ने बोला मे बी शायद 10 साल पहले, मे बी शायद बचपन में गया होंगे, इसके बाद हम लोग मॉस्क कभी नहीं गए लाइफ में ईरान में। और जब बहुत लोगों को मैंने बताया कि मैं कॉम भी गया था, तो लोग मेरे पे हंसने लगे, मतलब कि मजाक उड़ाने के लिए, दूसरे सेंस में कि कॉम कैसे चले गए आप, इतनी रिलीजियस सिटी है, हम लोग लाइफ में ऐसा कभी नहीं गए, शादी कभी जाएंगे, कुछ उस सेंस में आप समझ सकते हो। आप जब ईरान के बड़े सिटीज़ में रहोगे लाइक तेहरान, इस्फान, शिराज, तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे आप लोगों को जो कि रिलीजियस या कंजर्वेटिव होंगे। लेकिन आप जब छोटे टाउन, छोटे सिटीज़ जाओगे, विलेजेस जाओगे, तो वहाँ पर आप लोगों को लोग मिलेंगे जो कि कंजर्वेटिव है और रिलीजियस है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अब बात करते हैं ईरान में सेफ्टी के बारे में। जब मैंने ईरान का प्लान बनाया और जब ईरान आने वाला था, जब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताया, सब लोग ने मेरे को बताया यार ईरान जा रहे हो, कंट्री सेफ नहीं है यार, पता नहीं, इतना न्यूज़ आता रहता है ईरान के बारे में, इतना उस टाइप की न्यूज़ आती रहती है, और पता नहीं कंट्री कैसी है यार, कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ ईरान मत जाओ, प्लान कैंसिल कर दो। बट ईरान आने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी तक कोई भी ऐसी जगह मेरे को ईरान में नहीं लगी जहाँ पर मेरे को ऐसा फील हुआ हो कि मैं सेफ नहीं हूँ। आई कैन डेफिनेटली से ईरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इवन यहाँ के लोग बोलते हैं जो बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस है वो सेफ नहीं है, वहाँ मैं काफ़ी दिन था, कहीं पर भी मेरे को सेफ्टी इशू नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं। हर जगह लोग अच्छे मिले, हर जगह लोग फ्रेंडली मिले, थोड़े बहुत यार खराब एक्सपीरियंस हर जगह होते हैं, उसके तो अलग ही बात है। उसके अलावा पूरे ईरान में मैं हर जगह सेफ रहा, चाहे छोटी सिटी हो, चाहे बड़ी सिटी हो, चाहे जो प्रोविंस हो, चाहे दिन का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, मेरे को कहीं पर भी 1% भी सेफ्टी का इशू नहीं हुआ। मेरे को ईरान में आने से पहले ये लगता था कि कंट्री के ऊपर यार इतने सारे अलग अलग सैंक्शंस लगे हुए हैं, US के द्वारा, यूरोप के द्वारा और कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है इस कंट्री में, तो कंट्री उतनी अच्छी नहीं होगी, उतनी डेवलप नहीं होगी, और कंट्री में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे सामान खरीदने के, आइटम्स खरीदने के, अलग अलग फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं होंगी। बट यहाँ पर आने के बाद जो मेरा परसेप्शन था यार, पूरा चेंज हो चुका है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ईरान बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री आज के टाइम पर हो चुकी है, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर हो नहीं पाता है, फॉरेन और इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर काम ऑपरेट कर नहीं पाती हैं। इस वजह से ईरान ने खुद को, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट कर लिया है। मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट्स, जो फैसिलिटीज़ पूरे वर्ल्ड में मिलती है, कुछ भी आपको यहाँ पर उस चीज़ की कमी फील नहीं होगी, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट, सर्विस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, और दूसरे कंट्रीज़ पे, दूसरे फॉरेन कंपनीज़ पे डिपेंडेंट अब ईरान नहीं रह गया है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसको एंशियंट प्लस मॉडर्न का कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और ईरान के जो मेन सिटीज़ हैं, एटलीस्ट जो टॉप 10 सिटीज़ होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, चाहे आप तेहरान को ले लो, इस्फान ले लो, शिराज ले लो, और भी सिटीज़ होंगी, बंदर अब्बास है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ईरान के 5-6 सिटीज़ में मेट्रो भी है, और एक प्राइम एग्जांपल है ईरान के मॉडर्न प्लस एंशियन कॉम्बिनेशन का, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में जब किसी और कंट्री ने आके रूल किया काफ़ी सालों तक, तो वहाँ का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, लैंग्वेज था, उस पर इफ़ेक्ट पड़ा, वो चेंज हुआ। ईरान जब इस्लामिक कंट्री नहीं था, तो उसके पहले ईरान की लैंग्वेज फारसी ही थी, और इनका कल्चर जो आज था वही था। बट जब ईरान पे अरब्स आए, उन्होंने ईरान को इस्लामिक कंट्री बनाया, उसके बाद भी आज भी ईरान के लोगों ने दूसरा कल्चर अपनाने से मना कर दिया, दूसरी लैंग्वेज अपनाने से मना कर दिया। ऑल दो ईरान का जो रिलीजन है वो अब इस्लाम रिलीजन हो चुका है, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो आज भी एंशियंट पर्शियन लैंग्वेज है, उन्होंने आज तक कंटिन्यू रखा है, दूसरी लैंग्वेज उन्होंने अपनाया नहीं, अरब लैंग्वेज उन्होंने अपनाया नहीं। नौवरूज फेस्टिवल और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल हैं जो कि बहुत एंशियंट फेस्टिवल हैं, और 2 से 3 हज़ार साल से भी ज़्यादा पुराने फेस्टिवल हैं, वो आज भी यहाँ पर सबसे बड़े फेस्टिवल माने जाते हैं और सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल दो ईरान का रिलीजन चेंज हो चुका है, बट उसके अलावा ईरान का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, लैंग्वेज था, आज भी एंशियंट पर्शिया
वाला ही है। ईरान में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज होने के बाद, मेरे को लगता था यार कि लोग यहाँ पर यार उतने खुश नहीं रहते होंगे, उतने अच्छे लोग यहाँ पर अपने आप को फील नहीं करते होंगे। बट इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं हर समय। हर समय आप ईरान में कहीं भी जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टी चलती रहेगी। लोग डेली एकदम अपनी लाइफ में भी अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते रहेंगे, लाइफ इंजॉय करते रहेंगे, हर समय डांस करते रहेंगे, हर समय पार्टी करते रहेंगे, हर समय गेट टुगेदर करते रहेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मिल के खाना खाते हैं, और अक्सर मतलब कि इतना ज़्यादा मिलना जुलना शायद और कंट्रीज़ में नहीं होता जितना ईरान में होता है। मतलब कि अब मैं क्या बोलूँ यार, इतने सारे इश्यूज़ होने के बाद यहाँ के लोग एक नंबर के, और इन्होंने इस इश्यूज़ को अपने लाइफ पे हावी होने नहीं दिया है। बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और अच्छे से खुश हैं यहाँ पे। छोटी सिटीज़ की तो बात अलग हो गई, बट जो यहाँ पे बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है, रहने का तरीका है, रहन सहन है, काफ़ी ज़्यादा यार अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो यूरोपियन उनकी लाइफस्टाइल हो चुकी है आज के टाइम पे। आप जब शिराज में देखोगे, इस्फान, तेहरान में, तो काफ़ी अच्छी उनकी लाइफस्टाइल है। उनके घर आप देखोगे, उनके आप कपड़े देखोगे, आपको लगेगा नहीं आप ईरान में, आपको लगेगा कोई यूरोपियन कंट्री में। उस टाइप की इनकी लाइफस्टाइल आज के टाइम पे हो चुकी है। अब मैं शॉर्ट में अपने होस्ट की बात कर लेता हूँ। शिराज में जो मेरे होस्ट हैं सारा एंड आमिर, यार इनके बारे में मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पास अल्फाज नहीं इनके बारे में बोलने के लिए। आते ही एकदम बहुत अच्छे से मेरे को इन्होंने अपनाया और एज अ फैमिली जैसा मेरे को ट्रीट कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा कि मैं अपने फैमिली के बाहर हूँ। मेरे को लग रहा मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में हूँ। इन लोग मेरे फैमिली जैसे हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे 2-3 दिन बाद जाने वाला था, लेकिन जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई फ़ोन रजिस्ट्रेशन और सिम कार्ड वाला, तो इन्होंने बोला कि चाहे जितने दिन भी हो जाए मैं आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। और मेरी प्रॉब्लम ही कल सॉल्व हो चुकी है डिवाइस लेने के बाद, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि आप अभी भी जितना चाहो यहाँ रुक सकते हो, हम लोग के यहाँ यू आर ऑलवेज़ वेलकम। और ईरान में आप कहीं भी हो, कभी भी वापस हमारे यहाँ फिर भी आ सकते हो। कुछ प्रॉब्लम होता है हमेशा हम लोगों को बताओ, हमेशा 24/7 हम लोग रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इतने अच्छे लोग यार मैंने कभी भी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतने अच्छे लोग मेरे को ईरान में मिलेंगे। और इन लोग यार इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं कि मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा होगा कि मेरे को ईरान में इतने ओपन माइंडेड लोग मिलेंगे। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, इतने ओपन माइंडेड लोग मेरे को आज तक इंडिया में भी नहीं मिले हैं। और ईरान में ऐसा देखना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग वाली बात थी। काफ़ी शॉक हुआ ये भी जान के, ये भी देख के। तो पिछले कुछ दिनों में जब से मैं शिराज में हूँ, मैं शिराज को काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी सारे साइट्स गया, टूरिस्ट स्पॉट गया, काफ़ी सारे अट्रैक्शंस गया, और कुछ पार्टीज़ पे भी मैं गया, कुछ बाहर की पार्टीज़, कुछ होम पार्टीज़, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे किया। शिराज ईरान में मेरी सेकेंड फेवरेट सिटी हो चुकी है आफ्टर तेहरान। शिराज मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मेरे को बहुत अच्छी सिटी लगी। जब मैं यहाँ पे निकलता था यार, यहाँ की जो नैरो लेन्स हैं, रोड्स हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ के लोगों को शिराजी बोलते हैं। और हर जगह यार रोड के साइड्स बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लुक देता है। तो शिराज आने के दूसरे या तीसरे दिन हम लोग शिराज को एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए थे। सबसे पहले हम लोग गए थे नासिर उल मुल्क मॉस्क, जो कि सबसे टॉप टूरिस्ट प्लेस, सबसे टॉप अट्रैक्शन है शिराज का, जिसको ईरान का मोस्ट फोटोग्राफ्ड मॉस्क बोला जाता है। आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं फोटो में देखा होगा कुछ ऐसा मॉस्क जहाँ पर उसका इंटीरियर पूरा कलरफुल है,
जो सन रेस कलरफुल आ रही है, कुछ ऐसा मॉस्क है ये आप लोगों को इस वीडियो में दिख रहा होगा। ये है नसीर उल मुल्क मॉस्क, इसको पिंक मॉस्क भी बोलते हैं, और ये काजा डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था, जो कि सेकंड लास्ट पर्शियन एम्पायर था। इसको बनने में 12 साल लगे थे और ये 1888 में बनकर तैयार हुआ था ये मॉस्क। और इसका आप इंटीरियर देखो, इस मॉस्क में वर्ल्ड फेमस स्टेनड ग्लास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा इसका इंटीरियर कलरफुल हो जाता है। जब मॉर्निंग में सनरेज आती हैं तो वो जब वो टेंटेड ग्लास से पास होती हैं तो अलग अलग कलर के सनरेज में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, उस वजह से इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट शेराज आते हैं इस मॉस्क की वजह से, इस मॉस्क के अंदर फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप का व्यू आता है इस मॉस्क के अंदर। वैसे तो ईरान के हर सिटी में अपनी एक ट्रेडिशनल बाज़ार होती है, और अब तक तेहरान के ग्रैंड बाज़ार के बाद जो मेरे को सबसे अच्छी बाज़ार लगी वो लगी शिराज की ट्रेडिशनल बाज़ार, जिसका नाम है वकील बाज़ार। बहुत ज़्यादा अलग टाइप की बाज़ार थी ये, मतलब कि उसका जो एनवायरनमेंट था, उसका जो एम्बियंस था, फील था, काफ़ी अलग था यार। मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था इस बाज़ार में वॉक करके, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। इस बाज़ार का एटमोसफेयर, इस बाज़ार के लोग, इस बाज़ार की शॉप्स काफ़ी डिफरेंट थी अलग बाज़ार से जो ईरान में होती हैं। इस बाज़ार में बहुत सारे एंटीक आइटम्स मिल रहे थे, बहुत सारे कारपेट्स मिल रहे थे, ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे, शूज थे, सोविनियर्स थी, बहुत सारे सामान मिल रहे थे। इस बाज़ार के पास में एक लोकेशन है जहां पर मैंने ईरान का और शिराज का ट्रेडिशनल क्लोथ पहन के मैंने कुछ फोटोग्राफ्स करवाई, आप लोग देख सकते हो ये सारी फ़ोटोज़ जो मैंने यहाँ पे शिराज में खिंचवाई है। हिंदी गाने कार के अंदर सुने हम लोगों ने, काफ़ी इन्जॉय किया। मेरी जो होस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा हिंदी सॉन्ग सुनती हैं, और तेरे बिना क्या वजूद मेरा। उसके बाद हम लोग कारवां सराय गए, जो कि ईरान के बहुत सारे सिटीज़ में है। हमाम हाउस में गए, हमाम हाउस मैंने आप लोगों को कशान में दिखाया था, कुछ वैसा हमाम हाउस था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। कुछ लोग के अंदर स्टैचूज थे जो कि पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, उनका कपड़ा कैसा होता था, उसको दर्शाया गया, आप लोग इस वीडियो में फ़ोटोज़ में देख सकते हो। शिराज को सिटी ऑफ पोएट्स, पर्शियन आर्ट एंड लिटरेचर भी बोला जाता है, क्योंकि शिराज बर्थ प्लेस रहा है दो बहुत ही महान पर्शियन पोएट का, जिनका नाम था हाफिज़ एंड सादी। सादी 13 सेंचुरी में ईरान में पॉपुलर हुए थे और हाफिज़ 14 सेंचुरी में ईरान में पॉपुलर हुए थे। तो अगले दिन शाम को मैं आमिर के साथ निकला शिराज को एक्सप्लोर करने के लिए, और उस दिन मैं गया सबसे पहले टॉम ऑफ हाफिज़, जो कि हाफिज़ जो पोएट थे उनका टॉम है। हाफिज़ को मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड पोएट इन पर्शियन लिटरेचर बोला जाता है, और इनको मास्टर ऑफ गज़ल भी माना जाता है ईरान में। पूरे ईरान के हिस्ट्री में, पूरे ईरान के आर्ट एंड लिटरेचर में अगर कोई पोएट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, सबसे ज़्यादा अगर प्यार किया जाता है तो वो है हाफिज़। और हाफिज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे ईरान में। इनफैक्ट आप ईरान के कोई भी घर में जाओगे, आपको हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में हाफिज़ की आपको कोई ना कोई बुक या पोएम ज़रूर मिलेगी। और लोग ये भी बोलते हैं अगर आप शिराज आए और टॉम ऑफ हाफिज़ नहीं गए तो आपका शिराज में आना इनकम्प्लीट रहा है। उसके बाद मैं शिराज के सबसे होली साइट, सबसे बड़ी रिलीजियस प्लेस शाह चेरगा में गया, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ लाइट। शाह यानी किंग और चेरगा मतलब लाइट। और ये श्राइन डेडिकेटेड है 8 शिया इमाम अली रज़ा के दो भाई को, जो कि मार्टिर हो गए थे, जो कि शहीद हो गए थे, तो उनके लिए ये श्राइन बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल श्राइन था यार ये। इसका जो इंटीरियर था, इसका जो आर्किटेक्चर था, काफ़ी मिलता जुलता था जो कि मैं कॉम में श्राइन गया था। Hafiz poem. Yeah, Hafiz poem, yeah, exactly. And kids everywhere in Nanya. Shiraz, they sell it. In Shiraz, in the streets, most of them, not only kids, even the old guys, selling the poem of the Hafiz. Yeah. And also Sadi, but Hafiz is more popular. Hafiz is more popular. Yeah.
And all the poems are in Farsi language. Yeah, and sometimes it's with the English subtitle. Yeah, it have an English subtitle. It's English, the meaning of the poem. Okay, so original poem is in Farsi and this... Meaning... Translation is in English, okay. Are you in love with someone? So, यार इस poem के साथ एक छोटी सी cheat को उठानी पड़ती है और cheat में एक secret message होता है depend करता है आपके luck के ऊपर क्या message निकलता है मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ लेकिन कुछ ऐसा message निकला हुआ है अगर आप लोग फारसी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो इन्होंने मेरे को समझाया है काफी लंबा मैसेज है इन्होंने मेरे को ट्रांसलेट करके समझाया है यू टेक योर हार्ट टू समवन आई व्हाट यू डोंट टेल अस अ सीक्रेट देखो वो याद है इफ आई टेल इट वोंट बी अ सीक्रेट एनीमोर میگه اگه بگم بهتون دیگه راز نیست اسمش رو فقط بگم میگه اگه اسمش بگم دیگه راز نیست We will not tell anyone, just tell us ما دوستاتیم We all your friends We keep your secret Hello, I'm Daniel And it's Sara, actually. Yeah. Hi. Sara, meri pyari host. Should I translate? I said, Sara, my azizam mezban. Yeah. Mezban azizam. Hi. Yeah, it's really nice. And I'm really happy that I'm in your vlog. Yeah. It's food keeper. Yeah. Hello. Yeah. Okay, yeah. Oh, and play. Khal khal. These coins are from? These coins are before the revolution of the Iran, when the Shah was king of the Iran. It's after the revolution. Look at here, the written Jumhuriya Islami Iran, Islamic Republic of Iran. Most of them are for before the revolution. 40 साल पहले जब Iranian revolution हुआ था, उसके पहले Shiraz की शिराजी वाइन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं और काफ़ी जगह ऐसा लिखा भी है और शिराजी वाइन पूरे दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी पूरे ईरान के लोग इसको एंजॉय करते थे बट जब ईरानी रेवोल्यूशन हुआ पूरे कंट्री में अल्कोहल बैंड हो गई तो शिराजी वाइन भी बंद हो गई उसके पहले ये पूरा लीगल था पूरा यहाँ पर इजली मिलती थी हर जगह पहलावी डायनेस्टी के टाइम उससे पहले टाइम तो शिराजी वाइन हालांकि अब अवेलेबल नहीं है ईरान में लेकिन फिर भी हर लोगों के जुबान पर रहती है हर लोग जानते हैं शिराजी वाइन को आज भी शिराज में पूरे ईरान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जी हाँ तेहरान से भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री शिराज में है जब मेरे पास इंटरनेट यूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो मैं शिराज में अपने होस्ट आमिर के साथ काफ़ी सारी जगह में हम लोग ऐसे घूम रहे थे और मॉडर्न को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो कि मिल नहीं रहा था तो मैंने क्या देखा यार शिराज में इतनी ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इतनी ज़्यादा बड़ी है कितनी बड़ी मार्केट यार आई डोंट नो मैं मुझे याद नहीं कि मैंने लाइफ में कभी देखा होगा दूर दूर तक सिर्फ शॉप्स ही शॉप्स बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है मॉल्स हैं हर जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है आप कुछ भी आपको चाहिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है फ़ोन लैपटॉप होम अप्लाइंसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हर सारे सामान मेरे होस्ट बता रहे थे कि आपको शिराज में हर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएंगे ब्रांडेड भी लोकल भी फेक भी ओरिजिनल भी आपको क्या चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और मैं एक चीज़ देख के हैरान हो गया था क्योंकि इतने सारे सैंक्शन लगे हुए हैं तो बहुत सारी कंपनीज ईरान में ऑपरेट नहीं कर सकती हैं लेकिन जब मैं शिराज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर गया तो दुनिया की हर कंपनीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे थे आई डोंट नो इन लोग यहाँ पर लाए कैसे हैं ब्लैक में लाएँ लीगल लाएँ या लीगल लाएँ ये भी चीज़ मेरे को नहीं पता है इंपोर्ट करके लाए हैं कि कंपनीज ने खुद भेजा ये सब चीज़ मेरे को नहीं पता है लेकिन दुनिया की हर कंपनीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थे फिर मेरे को शिराज में एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर TVS एंड बजाज का कंबाइन शोरूम था और इन दोनों कंपनीज की यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स सारे बाइक्स यहाँ पे मिल रहे थे परचेज करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोर था यार ये आपको बजाज की या TVS की कोई भी बाइक हो कोई भी स्कूटर हो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था उस स्टोर पे तो यार आप दोपहर के 2 बज चुके हैं और आप शिराज से निकलने का टाइम हो चुका है मैं एक हफ्ते पहले आया था एक हफ्ते बाद जा रहा हूँ अब अगली सिटी अगले प्रोविंस में जा रहा हूँ तो यार मैंने सुबह 11 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था और मेरे निकलने का टाइम हो चुका है मैं बोल रहा निकल रहा हूँ मेरे को भूख नहीं लेकिन खाना नहीं है मेरे को लेकिन फिर भी मेरे को ज़बरदस्ती लंच दे दिया है पता नहीं मैं खा पाऊंगा कि नहीं तो यार अब टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है लेकिन अब जाना पड़ेगा इन लोग मेरे अब फैमिली मेम्बर जैसे हो चुके हैं तो आमिर एंड सारा मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा कुछ कर सकते इन लोग बोल रहे हैं इतनी जल्दी जा रहे हो मेरे को यहाँ पे एक हफ्ता हो चुका है इन लोग बोल रहे हैं इतनी जल्दी जा रहे हो मुझे खानवादे برای ما باشه هر جا رفتی دوباره گو it's my family family okay اینجا هم خونه خودته your home
योर होम माय होम एंजॉय योर होम तो देख सकते हो यार लोग अब कैसा मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ माय होम माय फैमिली ओके आमिर फैमिली सारा फैमिली ओके थैंक यू सो मच खैली 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 ममनून मेहमान नवाजी खैली 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 खो در کنار تو خیلی خوش گذشت It's your دورواشو my brother My brother انگار اینجا خونه خودت انگار مثلا برادرمی All food خیلی خوشمزه میشه جونه میشه جونه This for Sema 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 no year but Sema come give Sema مرسی ممنونم دست در نکنه دستت هم درد نکنه خیلی خوشحال شدیم از اینی که اومدی پیش ما بازم اگر دوست داشتی قدمت رو چشممون بیا ایران اومدی دوباره بیا خونه ما شیراز اگین بولا ایران پھر آنا میں آ رہے ہیں ضرور آنا تھینک یو سو مچ خالی 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 ممنون اوکے وای دلمون برات تنگ میشه بعد از رفتن گریه میکنی دلمون برای تنگ میشه It's great احساس احساس بول رہے رونا آرہ جا رہے ہو خیلی خیلی مام خیلی مام تو یہاں سے پھر میں سناپ لے رہا ہوں ٹرمینل کے لیے اس کے بعد آگے کی کہانی وہاں پہنچ کے کم ٹو انڈیا اوکے انڈیا مائی ہوم مائی ہاؤس آئی لائک ٹو انڈیا समर में फ्रेशिंग इंडिया समर का में इंडिया समर या उनकी डॉटर जो है इंडिया बहुत ज्यादा आना चाहते हैं उनका बहुत मन है हॉस्पिटल हिंदी पैरोश पैदा को ये शहर है हॉस्पिटल ना हस्बैंड हस्बैंड हिंदी हाँ ये वो लेंगे डॉटर है उनका हस्बैंड हम लोग इंडियन ढूंढना चाहते हैं ओके तो यार अभी ये नोट इन्होंने मेरे को लिख के दिया है गूगल ट्रांसलेट पे आप लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है مراقب خودت باش بای 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 من به ماشین بگم یار اپنی ماشین آ گئی ہے بای 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 مراقب خودت باش